हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बायोलॉजी क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेंस कनेक्टेड टिश्यू पार्ट स्टडी किया था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। वी विल डिस्कस अबाउट सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक बाय प्रेजेंस ऑफ द हार्ड मैट्रिक्स ए सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये एक पर्टिकुलर हार्ड मैट्रिक्स शो करता है एंड इट इज़ क्लासीफाइड इंटू द टू टाइप्स, कार्टिलेज एंड बोन। इसका क्लासिफिकेशन टू टाइप्स में होता है, कार्टिलेज एंड बोन। वॉट इज एग्जैक्ट कार्टिलेज? इट इज़ प्लिएबल एट टफ टिश्यू। It form the endoskeleton of the cartilaginous fishes like the shark। ये कार्टिलेज लोग देखते हैं कि जो लोअर एनिमल्स हैं, जो फिशेस सुपर क्लास स्पाइसेस में फिशेस आती है, तो इसमें हम लोग फिशेस जनरली डिवाइड हो रही है कार्टिलेजिनस फिश एंड द बोनी फिश। तो एक ये पहले प्लेबल टफ टिश्यू है और ये एंडोस्केलेटन बना रहा है। स्केलेटन टू टाइप के होते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड द एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ऑफ द कार्टिलेजिनियस फिशेज लाइक द शार्क, शार्क का एंडोस्केलेटन फॉर्म कर रहा है। इट इज़ वीडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्टिब्रेट एनिमल। ये वर्टिब्रेट्स एंड द एनिमल में डिस्ट्रीब्यूट है इन कार्टिलेज। अबंडेंट मैट्रिक्स इज डेलिमिनेटेड बाई द शीथ ऑफ द कोलेजिनियस फाइबर कॉल्ड एज अ प्रीकॉन्ड्रियम। कार्टिलेज अबंडेंट मैट्रिक्स प्रेजेंट है एंड जनरली ये एक पर्टिकुलर शीद है कोलेजिनियस फाइबर्स का एंड इसे ही बोला है प्रीकॉन्ड्रियम। हमारे ये कार्टिलेज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट शो द डेंस मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ कॉन्ड्रिन। इसके जो मैट्रिक्स है, डेंस मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसे कॉन्ड्रिन बोला है। जस्ट बिलो द पेरिकॉन्ड्रियम इमैच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेट कॉल एज अ कोंड्रोब्लास्ट आर द प्रेजेंट। जस्ट बिलो द पेरिकॉन्ड्रियम के बिलो एक इमैच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल प्रेजेंट है, इसे कोंड्रोब्लास्ट बोला है। एंड कोंड्रोब्लास्ट मैच्योर एंड गेट कन्वर्टेड इंटू द कोंड्रोसाइट। ये जो कोंड्रोब्लास्ट है, ये एक इमैच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है जिसे कोंड्रोब्लास्ट बोला है। ये कोंड्रोब्लास्ट मैच्योर हो रहा है एंड कन्वर्टेड इंटू द कोंड्रोसाइट। कोंड्रोसाइट में ये कन्वर्ट हो जाता है। कोंड्रोसाइट आर सीन स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स। ये कोंड्रोसाइट कहाँ पे दिख रहा है? मैट्रिक्स में। एंड दे आर एनक्लोज इन द लैक्यूना। ये किसमें एनक्लोज है? दे आर एनक्लोज इन द लैक्यूना एंड इच लैक्यूना कंटेन 2 to 8 कोंड्रोसाइट। ये जो लैक्यूना है, इट कंटेन 2 to 8 कोंड्रोसाइट। बेस्ड अपॉन द मैट्रिक्स देर आर 4 टाइप ऑफ द कार्टिलेज एज एक्सप्लेन बिलो। देखिए, एक पर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये टिश्यू है, टफ टिश्यू है। मोस्ट ऑफ द फिशेज का एंडोस्केलेटन फॉर्म कर रहा है। इट इज ये डिस्ट्रीब्यूट है इन द वर्टिब्रेट्स एंड द एनिमल में। इन कार्टिलेज एक अबंडेंट मैट्रिक्स शीट है, इसे प्रीकॉन्ड्रियम बोला है एंड मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन बोला है। एंड प्लस बिलो द पेरिकॉन्ड्रिन इमैच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल प्रेजेंट है, इसे कोंड्रोब्लास्ट बोला है। एंड कोंड्रोब्लास्ट है ये मैच्योर एंड हो जाता है एंड कन्वर्ट होता है कोंड्रोसाइट में। एंड कोंड्रोसाइट्स आर स्कैटर दिख रहा है इन द मैट्रिक्स में एंड ये इनक्लोज हो रहा है इन द लैक्यूना। एंड ये जो लैक्यूना है 2 to 8 कोंड्रोसाइट से बना है। बेस अपॉन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स देर आर 4 टाइप ऑफ द कार्टिलेज एज एक्सप्लेन बिलो। 4 टाइप के कार्टिलेज प्रेजेंट है जनरली डिपेंडिंग अपॉन द मैट्रिक्स, कितना मैट्रिक्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 4 टाइप का कार्टिलेज है। इन दिस टाइप ऑफ द कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। मैट्रिक्स इज ब्लूइश वाइट एंड जेल लाइक हाईलाइन कार्टिलेज, ग्लास लाइक कार्टिलेज है। इसमें कार्टिलेज है, पेरिकॉन्ड्रियम है, ये प्रेजेंट है। एंड कैसा है इसका मैट्रिक्स? मैट्रिक्स ब्लूइश वाइट एंड द जेल लाइक है।
एंड वेरी फाइन कोलेजिन फाइबर एंड कोंड्रोसाइट्स आर द प्रेजेंट. इसमें बहुत से फाइन कोलेजिन फाइबर एंड द कोंड्रोसाइट इसमें प्रेजेंट है. हाइलाइन कार्टिलेज ये इलास्टिक है एंड द कॉम्प्रेसेबल इन नेचर है. हाइलाइन कार्टिलेज का नेचर इलास्टिक एंड द कॉम्प्रेसेबल है एंड इट एक्ट एज अ गुड शॉक एब्जॉर्बर. ये कैसे वर्क करता है? इट एक्ट एज अ गुड शॉक एब्जॉर्बर एज वेल एज प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी. अदरवाइज ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. इट रिड्यूस द फ्रिक्शन. इट इज फाउंड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन. ये जनरली इट रिड्यूसेज द फ्रिक्शन एंड कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन. जो हमारा लॉन्ग बोन होता है उसके एंड में ये हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. उसके साथ साथ इपिग्लॉटिस एरिया, ट्रकिया एरिया, रिब्स, लैरिंग्स एंड द हायड. तो इस तरीके से ये हाइलाइन कार्टिलेज है. हाइलाइन कार्टिलेज का यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है. इट जनरली शोज द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स जनरली शो द कोंड्रोब्लास्ट एंड पेरिकॉन्ड्रियम एंड शो द लैक्यूना एंड द कोंड्रोसाइट. इस तरीके से हाइलाइन कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर है. ये अगर हम लोग इसको टीएस सेक्शन देखते हैं तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर इसका सेक्शन दिखता है एंड पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है. उसके साथ साथ ब्लूइश वाइट जेल लाइक मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है एंड ये वेरी फाइन कोलेजिन फाइबर एंड कोंड्रोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट दिखते हैं. और हाइलाइन कार्टिलेज है ये इलास्टिक है एंड कॉम्प्रेसिबल इन नेचर है एंड ये शॉक एब्जॉर्बर है एज वेल एज ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड फ्रिक्शन रिड्यूस करता है एंड एंड लॉन्ग बोन के एंड में ये दिखता है. इपिग्लॉटिस, ट्रकिया, रिब्स, लैरिंग्स एंड द हायड बोन के नीचे ये हम लोगों को दिखता है. नाउ सेकेंड जो टाइप है इसे हम लोगों ने बोला है इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज द पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट. मैट्रिक्स कंटेन द इलास्टिक फाइबर. ये इलास्टिक कार्टिलेज का मैट्रिक्स है. इट जनरली शो द मैट्रिक्स कंटेन द इलास्टिक फाइबर. इसमें इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है. कोंड्रोसाइट्स आर द फ्यू इन नंबर है. ये जो कोंड्रोसाइट है ये फ्यू इन नंबर है एंड इट गिव्स अ सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द बॉडी पार्ट. ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड ये जो बॉडी पार्ट का शेप है ये मेंटेन करता है. इट इज़ फाउंड इन द ईयर लोब टिप ऑफ द नोज. कहाँ पे प्रेजेंट होता है इलास्टिक कार्टिलेज? तो हम लोग देखते हैं ईयर लोब. हमारा जो ईयर अगर प्रेस करके देखते हैं तो इलास्टिक सिटी दिखती है एंड द टिप ऑफ द नोज. नोज का टिप भी इलास्टिक नेचर है. तो इस तरीके से ये इलास्टिक कार्टिलेज है. इलास्टिक कार्टिलेज इन पेरिकॉन्ड्रियम इसमें प्रेजेंट है. इसका जो मैट्रिक्स है इट कंटेन द इलास्टिक फाइबर और इसका जो कोंड्रोसाइट्स है फ्यू इन नंबर है. सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द बॉडी पार्ट. सब बॉडी पार्ट का शेप को मेंटेन करता है एंड इट इज़ फाउंड इन द ईयर लोब. हमारा जो ईयर का लोब है एंड लोब ऑफ द टिप ऑफ द नोज. यहाँ पे ये इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है. इलास्टिक कार्टिलेज इसका अगर सेक्शन देखते हैं तो इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है? पेरिकॉन्ड्रियम, मैट्रिक्स, लैक्यूना, कोंड्रोसाइट एंड द इलास्टिक फाइबर. तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टाइप है फाइब्रोकार्टिलेज. What is fibrocartilage? Pericondrium is absent in the fibrocartilage. Fibrocartilage में pericondrium absent है. Matrix contain the bundle of the collagen fiber. इसका जो matrix है it contain the bundles of collagen fibers and few chondrocytes scattered in fiber. कुछ chondrocytes है ये जनरली scattered होते हैं in the fiber में. फाइब्रियोकार्टिलेज इज अ मोस्ट रिजिड कार्टिलेज. फाइब्रियोकार्टिलेज एक मोस्ट रिजिड कार्टिलेज है. इट मेंटेन द पोजिशन ऑफ द वर्टीब्रेट. वर्टीब्रेट का पोजिशन ये मेंटेन करके रखता है. इन वर्टिब्रल डिस्क आर मेड अप ऑफ फाइब्रियोकार्टिलेज. जो इन वर्टिब्रल डिस्क है किससे बनी है? फाइब्रियोकार्टिलेज एंड इट ऑल्सो फाउंड एट द प्यूबिक सिम्फाइसिस. कौन से रीजन में प्रेजेंट है? एट द प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन में प्रेजेंट है. तो यहाँ पे कोंड्रोब्लास्ट शो द मैट्रिक्स
लैक्यूला एंड द वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये जो डायग्राम है आप लोगों को इलास्टिक कार्टिलेज वाइट फाइब्रस कार्टिलेज इसकी डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। फाइब्रियोकार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम इज अब्सेंट इन द फाइब्रियोकार्टिलेज। फाइब्रियोकार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम अब्सेंट होता है। इसका मैट्रिक्स इट कंटेन द बंडल ऑफ द कोलेजिन फाइबर। इसके मैट्रिक्स बंडल ऑफ द कोलेजिन फाइबर एंड द फ्यू कॉर्नरसाइड शो करते हैं एंड स्कैटर्ड इन द फाइबर। इसके वजह से इसको फाइब्रियोकार्टिलेज बोला है। फाइब्रियोकार्टिलेज इज अ मोस्ट रिजिड कार्टिलेज। ये रिजिड कार्टिलेज है एंड ये मेंटेन कर रहा है पोजीशन ऑफ द वर्टिब्रेट। ये वर्टिब्रेट का पोजीशन मेंटेन करता है। इन वर्टिब्रल डिस्क आर मेड अप ऑफ फाइब्रियोकार्टिलेज। इन वर्टिब्रेट की डिस्क है ये फाइब्रियोकार्टिलेज से बनी है एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट है एट द प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन। तो हमारा नेक्स्ट जो कार्टिलेज का टाइप है ये है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। दिस टाइप ऑफ द कार्टिलेज बिकम रिजिड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन द मैट्रिक्स। ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज ये रिजिड है। क्यों रिजिड है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सॉल्ट इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जब ज़्यादा सॉल्ट डिपोजिट है दिस रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट इन ओल्ड एज हेड ऑफ द लॉन्ग बोन। एंड ये जनरली रिड्यूस कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट का एंड इन ओल्ड एज एंड कहाँ पे प्रेजेंट है हेड ऑफ द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के हेड में ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज अवेलेबल है एंड ये जनरली रिजिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ द सॉल्ट एंड द मैट्रिक्स का ज़्यादा डिपोजिशन है इसकी वजह से इट रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट इन ओल्ड जनरली ओल्ड एज में जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को ये रिड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है इट इज़ बोन। व्हाट इज़ बोन? बोन इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक बाय द हार्ड मैट्रिक्स। बोन बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बोन हम लोग को दिखता है इट जनरली शो द हार्ड मैट्रिक्स। दैट हार्ड मैट्रिक्स इज अ ईओसीन। ईओसीन इज मेड अप ऑफ मटेरियल सॉल्टी सॉल्ट हाइड्रोजन एपिटेट। ईओसीन किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स सॉल्ट हाइड्रोक्सी एपिटेट कैल्शियम PO2। आउटर टफ मेम्ब्रेन कॉल इज अ पेरिस्टियम इनक्लोज इन द मैट्रिक्स। ब्लड वेसल्स एंड नर्व प्रीस थ्रू द प्रीओस्टियम। बोन पर्टिकुलर हार्ड मैट्रिक्स है जिसे ईओसीन बोला है। ईओसीन किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ मिनरल सॉल्ट हाइड्रोक्सी एपिटेट। इसका फॉर्मूला गिवन है CA10PO4/6OH2O2OH/2। आउटर टफ मेम्ब्रेन इसे प्रीस्टोमियम बोला है। ये मैट्रिक्स में इनक्लोज है ब्लड वेसल्स एंड में नर्व का सप्लाई है। मैट्रिक्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर। ये जो मैट्रिक्स है ये कॉन्सेंट्रिक लेयर के फॉर्म में अरेंज है इसे लैमेला बोला है। नाउ ईच लैमेला कंटेन द फ्लूइड फिल विद द कैविटी इज कॉल्ड एज अ लैक्यूना। ये लैमेला एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी इससे बना है जिसे लैक्यूना बोला है। फाइन कैनल्स दैट रेडिएट फ्रॉम ईच लैक्यूना कॉल्ड एज अ कैनरीकुलाई। इसके जो फाइन कैनल्स है दैट रेडिएट फ्रॉम द लैक्यूना इसे कैनरीकुलाई बोला है। कैनरीकुलाई ऑफ द एडजेसेंट लैमेला कनेक्ट विद ईच अदर एज दे ट्रांसफर थ्रू द मैट्रिक्स। कैनलिकुलाई ऑफ द ये जो एडजस्टमेंट लैमेला है इसके कैनलिकुलाई है कनेक्ट है विद ईच अदर एंड दे ट्रांसफर थ्रू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ट्रांसफर हो रहा है इन द लैक्यूना। ईओसो ब्लास्ट एक्टिव द बोन सेल। ये जो लैक्यूना है ये ऑस्टियोब्लास्ट है एक्टिव बोन सेल एंड द ईओसो ओइस्ट्रोसाइट द इनएक्टिव बोन सेल एंड द ऑस्टियोक्लास्ट आर प्रेजेंट। इसमें इनएक्टिव बोन सेल एंड द ऑस्टियोक्लास्ट इसमें प्रेजेंट है। मैमलियन बोन शो द पिक्यूलर हेवस्टेरियन सिस्टम। जो हमारा मैमलियन बोन है एक पर्टिकुलर हेवस्टेरियन सिस्टम शो करता है। हेवस्टेरियन कैनल इनक्लोज एंड आर्ट्री। हेवस्टेरियन कैनल एक आर्ट्री में इनक्लोज होता है।
वेंस एंड द नर्व्स में। यहाँ पे एक आप लोगों को डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है। बोन डिटेल स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल, परफोरेटेड कैनल, सेंट्रल कैनल, ट्रेबेंकुलर स्पॉन्जी बोन, सेंट्रल कैनल ईओस्टीन एंड द परफोरेटिंग फाइबर्स एंड द पेरीओस्टियम एंड एक्सटर्नल सर्कमफेरेंशियल लैमेला एंड यहाँ पे सेंट्रल कैनल आर्टेरियल वेन्यूल्स कैनलिकुला लैमेला साइड कैनलिकुला एंड द लैक्यूना। इस तरीके से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। तो इच लैमेला कंटेन द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, लैमेला में एक पर्टिकुलर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, दैट कैविटी कॉल एज अ लैक्यूना, इसे ही लैक्यूना बोला है। फाइन कैनल्स दैट रेडिएटेड फ्रॉम द ईच लैक्यूना इज कॉल एज अ कैनलिकुला, एक पर्टिकुलर फाइन कैनल्स निकल रहे हैं फ्रॉम द लैक्यूना, इसे कैनलिकुला बोला है। कैनलिकुला ऑफ द एडजेसेंट लैमेला कनेक्ट विद द ईच अदर, एडजेसेंट लैमेला क्या कैनलिकुला एक दूसरे से कनेक्ट है। दे ट्रांसफर थ्रू द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के थ्रू ये ट्रांसफर कर रहे हैं। इन द लैकुना ओइस्टोब्लास्ट एक्टिव बोन सेल एंड द ओइस्टो साइट्स द इनएक्टिव बोन सेल एंड द ओइस्टोब्लास्ट आर द प्रेजेंट। ये लैक्यूना में क्या क्या प्रेजेंट है, ओइस्टोब्लास्ट एक्टिव बोन सेल्स एंड द ओइस्टो साइट द इनएक्टिव बोन सेल एंड द ओइस्टोब्लास्ट आर इसमें प्रेजेंट है। मैमेलियन बोन शो द प्रिकुलर हैवस्टेरियन सिस्टम, ये जो मैमेलियन बोन है एक प्रिकुलर हैवस्टेरियन सिस्टम शो कर रहा है। हैवस्टेरियन कैनल इनक्लोज एन आर्टरी, हैवस्टेरियन कैनल एक पर्टिकुलर आर्टरीज में इनक्लोज हो रहे वेन एंड द नर्व्स में। और यहाँ पे एक जो फिगर गिवन है, एक अंडरस्टैंड हैवस्टेरियन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स, देर आर टू टाइप ऑफ द बोन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टू टाइप्स के बोन प्रेजेंट है, स्पॉन्जी बोन एंड द कॉम्पैक्ट बोन। इन द स्पॉन्जी बोन हैवस्टेरियन सिस्टम इज अ अब्सेंट, स्पॉन्जी बोन में हैवस्टेरियन सिस्टम अब्सेंट होती है। रेटिकुलर मैट्रिक्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रैबेक्यूल, ये जो रेटिकुलर मैट्रिक्स है ये अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रैबैक्यूल। इट कंटेन द रेड बोन मैरो, ये एक पर्टिकुलर रेड बोन मैरो एरिया शो करता है। इन कॉम्पैक्ट बोन मैट्रिक्स शो द हैवस्टेरियन सिस्टम विदाउट एनी स्पेस बिटवीन द लैमेला, कॉम्पैक्ट बोन में जो मैट्रिक्स है एक पर्टिकुलर हैवस्टेरियन सिस्टम शो कर रही है विदाउट एनी स्पेस बिटवीन द लैमेला। तो ये जो बोन का डिटेल स्ट्रक्चर है, ये डिटेल स्ट्रक्चर आप लोगों को नीट एंड लेबल इसकी डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड इसमें लैक्यूना, कैनलिकुला, ओस्टियोसाइट, कैनलिकुला, लैमेला एंड द सेंट्रल कैनल, एक्सटर्नल सर्कमफेरेंशियल लैमेला वो सीन, सेंट्रल कैनल एंड ब्लड वेसल्स इसे जिसका सप्लाई है, ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप लोगों को लेबल करना है एंड इसे ग्रुप पे सेंड करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।